सैमसंग गैलेक्सी M55। तो गाइज अब भी स्मार्टफोन को जो बाय करने की सोच रहे हो स्पेशली कैमरे के लिए तो रुक जाओ, बिकॉज आज मैं करने वाला हूँ इसी फ़ोन का कैमरा टेस्ट। इंडोर आउटडोर बहुत सारे फोटोज और वीडियोज मैंने क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि सैमसंग गैलेक्सी M55 का कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राधा भाई इट्स। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी M55, और गाइज यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का विथ OIS, प्लस 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है, प्लस 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं इसी फ़ोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ एक 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे इस फ़ोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको 10x डिजिटल जूम का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप 10x जूम करके बड़े आराम से फोटोज़ वगैरह जो क्लिक कर सकते हो। खैर हमने भी जूम करके कुछ फोटोज़ क्लिक किए जो मैं आपके साथ शेयर करने ही वाला हूँ। और भी दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इस सभी फीचर्स को यूज़ करते हुए इसमें मैंने ढेर सारे फोटोज़ और वीडियोस क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि सैमसंग गैलेक्सी M55 का कैमरा क्वालिटी कैसी है। और वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इसका कैमरा क्वालिटी कैसी लगी। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज़ एंड वीडियो सैम्पल। दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी सैमसंग गैलेक्सी M55 के फ्रंट कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक की है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो है 1080p 60fps में, और यहाँ पे आप जो सेल्फी कैमरे से अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि 4K 30fps तक जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो इस फोन से आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी एंड वीडियो स्टेबिलाइजेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आपको इसके कैमरा क्वालिटी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
दोस्तों अभी जो आपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे, मैंने इसी सैमसंग गैलेक्सी M55 के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज, आपको इसका कैमरा क्वालिटी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो नो डाउट आउटडोर फोटोग्राफी या तो वीडियोग्राफी करते हो तो कैमरा क्वालिटी बहुत ही सही है, ऐसे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट नाइट में आप इस फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन करते हुए अंधेरे में फ़ोटोज़ क्लिक करते हो, जैसे कि मैंने रूम के अंदर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, वो तो इतने घटिया भैया थर्ड क्लास आते कि लगता ही नहीं कि सैमसंग गैलेक्सी M55 से हमने क्लिक किए थे। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, तो ये एक प्रॉब्लम है। और OIS दिया है बट इतना भी मतलब परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है, जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर आपने देखा ही होगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मैं आपको इतना भी हार्डली रिकमेंड नहीं करूँगा कि स्मार्टफोन को आप स्पेशली कैमरे के लिए ही बाय करें, बट चॉइस इज योर्स, आपकी क्या नीड है, क्या रिकमेंडेड, उस हिसाब से आप स्मार्टफोन को जो बाय कर सकते हो। अदरवाइज जो मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। तो इफ यू गाइस के आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।